अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये है, जी मेरे अब्बा के पास एक ट्रैक्टर है तिजारत के लिए है, लेकिन उसमें अपनी कमाई नहीं हो पाती। जी मेरा सवाल ये है कि उससे जो कमाई होती है उसके हिसाब से ज़कात निकालनी चाहिए या ट्रैक्टर की जो रकम है उसके हिसाब से? जो सवाल, थोड़ा सा आवाज़ इनकी कट रही थी, लेकिन जितना मैं समझ सका हूँ वो ये है कि इनके वालिद साहब के पास कोई ट्रैक्टर है और जिसको कि वो किराए वगैरह पर चलाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे कमाई नहीं हो पाती है, तो जो कमाई होती है उसमें ज़कात निकालेंगे या उस ट्रैक्टर पर ज़कात निकालेंगे, ट्रैक्टर की जो कीमत है उस पर? जवाब इसका यह है, कोई सिर्फ अपने यूज के लिए रखे तो जाहिर है वो उससे खेती बाड़ी करेगा या जो भी जरूरत होगी वो जरूरत पूरी करेगा, तब तो उसमें कोई जकात नहीं है। लेकिन अगर ट्रैक्टर कोई इसलिए रखा है कि उसको किराए पर चलाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तिजारत के लिए रखा हुआ है और तिजारत के बाब में ज़कात के सिलसिले में ये उसूल याद रखें कि तिजारत के जो आलात होते हैं उन आलात पर ज़कात नहीं है, बल्कि उसमें जो आप कमाएंगे उस कमाई पर ज़कात है। मिसाल के तौर पर आपने एक होटल बनाया उसको किराए पर देने के लिए, तो अब जो होटल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की कीमत में ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग आप नहीं बेच रहे हैं, बिल्डिंग आप ही के पास रहेगी। तो जो चीज तिजारत का माल उसको कहते हैं जो आए और जाए, तो जो चीज आपके पास बाकी रहने वाली है उसको आपको बेचना नहीं है, वो तिजारत का माल नहीं है। तो उस ट्रैक्टर में, उस ट्रैक्टर को जब वो किराए पर चलाएंगे उससे जो कमाई होगी, अगर वो कमाई निसाब को पहुंच रही है तो उस कमाई के अंदर ज़कात वाजिब होगी, बाकी उस ट्रैक्टर की कीमत में ज़कात नहीं है।